भारतीय राजनीति में, भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है, जब देश के किसान और खेत मजदूर के ऊपर इस तरह से हमला किया जा रहा है। अभी हंजू गैस इस्तेमाल हुआ, आपको आप जलन हो रही मैं महसूस कर सकता हूँ। तो हम इस जलन में सुबह से 7 घंटे से खड़े हैं। मैंने लौंगोवाल साहब को देखा, अगली जीप में थे, लगभग उस जीप का शीशा फोड़ा गया, ट्रैक्टरों के बीच गोली मारी गई। अरे हमारा लीडर वहाँ लगातार खड़ा रहा, हमारी पूरा जितनी भी सुबह लीडरशिप है दोनों फोर्मों की वो मोर्चे के बीच है और बीच रहेगी। देखिए अभी स्पीकर लगे नहीं थे, यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं, स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। किसी सरकारी नुमाइंदे से बातचीत हुई दोबारा? कोई बात, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। जख्मी हुए आपके साथ? नहीं, एक बात रहेगी, मैं पंजाब सरकार को कहूंगा वो एम्बुलेंस का यहाँ प्रबंध करें, जिस तरह से जख्मी हो रहे हैं। क्या गिनती है, कितने अधिकारी का मतलब कितने जख्मी हैं आपके लोग? देखिए हंड्रेड्स ऑफ किसान, नौजवान सब जख्मी हैं और दो तीन तो ज्यादा गंभीर है। एक हमारा लीडर है जिसके जो गिर पड़ा उसके मुंह फट गया है और एक दो लीडर ज्यादा चोट। हरियाणा के किसान नेताओं का किसी का फोन आया, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, किसी से बात हुई? सब हमारे साथ हैं, जितनी यूनियन का कैडर है सब हमारे बीच है, सब साथ है। हमने बोला था 13 को बात पूछना, सब साथ हैं, सब साथ लड़ेंगे, मुद्दा इकट्ठा है। देखे एक तो ये मैं किसी फौजी से पूछ रहा था, ये जो है ये हमारे पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये रबट की गोली, एक ये बुलेट आप देखे, ये इस तरह की, इससे इंजर्ड हुए हैं, ये टायरों पर बुलेट दे नाल, पैलेट गन दे नाल, मैनू लगदा 100 तो वध हैगे ने बंदे। चार व्हीकलों का नुकसान किया उन्होंने, ठीक है। असी फिर भी कहने जवान साडे घरां चों ने, वो मामा दे पुत भाएं फौज प्रति ने है साडे ने, जवान ते किसान आ, जवान अपने ढिड करके सरकार वाले पासे आ, ते किसान अपने ढिड करके सरकार ना अंदोलन कर रहा। देखो देखो ये अपनी टीम फैसला करू, अज स्टे आप अपनी स्पीकर लाने तो बाद कर रहे हैं, सवेरे फिर देखो सवेरे मैनू लगता सुट के 9 बजे असी सारा कुछ सोच विचार के करांगे अनाउंसमेंट। हजे असी सारी अपनी टिको की वजह आया भी इस वे स्पीकर नहीं है, किसी ना गल नहीं हो रही, स्पीकर आगे लेट लग रहे हैं, फिर असी सारे ना गल करांगे भी ठीक है, सारी दड़ी लग गई हूँ सवेरे फिर फैसला करके चला। हाँ पूरा पंजाब आएगा, पूरा पंजाब हरियाणा उधर से आएगा, कोई भी से रोक नहीं पाएगा। पंजाब में लगातार आंदोलन पर आंदोलन होते हैं, आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में कारोबार पर, इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा? जो कंपनियां निवेश करती है वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करेंगी, ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता। जब 118 किसान और खेत मजदूर रोज खुदकुशी कर रहे हो कर्ज के कारण, तो आंदोलन किसी के लिए बाधा है, ठीक है। देखिए पूंजी जो है, पूंजी कारपोरेट की आ रही है और हमारे जितने भी देश के असासे हैं उनके ऊपर कब्जा हो रहा, खेती सेक्टर बचा है। मुझे नहीं लगता, इस तरह की परसेप्शन नहीं रखनी चाहिए, हम इस देश के किसान हैं, हमारे से ये देश चलता है। पूरे दोनों फोर्मों की ओर से करना चाहते हैं। देखिए आज की पीसी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किसी भी देश में जाते हैं सबसे पहली बात उनकी ये होती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अगर भाई ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, हमारे संविधान ने हमें राइट दिया हुआ है, और जो हम बात रखना चाह रहे हैं वो भी कोई नई मांग नहीं है, वो सब की सब हमारे साथ की हुई कमिटमेंट था सरकार की, और उन कमिटमेंट के ऊपर सरकार का ध्यान दिलवाने के लिए हमने बार बार डिमांड कार्ड दिए, बार बार इनको अलग अलग माध्यम से पहुंच करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार ने आज तक उनके ऊपर कोई किसी तरह की भी सीरियसनेस नहीं दिखाई,
और ऐसे हालात में अगर देश का किसान आज जो सरकार है, ये जो हमारे साथ कमिटमेंट्स होती हैं, ये हमेशा पॉलिटिकल फैसले हुआ करती हैं।